100 साल पहले भारतीय इतिहास में पोरस ने लिखी थी एक ऐसी गाथा जिसे लोग आज भी याद करते हैं। यूनानी सम्राट सिकंदर को हराकर पोरस ने भारत का परचम लहराया था। अब पोरस की यही कहानी बदल गई है एक टीवी सीरियल में, जो जल्द ही आएगा सोनी टीवी पर। 350 ईसा पूर्व भारत एक सोने की चिड़िया, जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। और इस सीरियल के नजारे देखने के लिए सास बहू और बेटिया पहुंच गया है थाईलैंड। जी हाँ, भारतीय इतिहास की एक गाथा लिखी जा रही है थाईलैंड के इस खूबसूरत से आइलैंड खाउ सोक में, जहाँ पर लगा हुआ है सीरियल पोरस का सेट। चारों तरफ पहाड़, बीच में ये हरा और नीला पानी, और उसके बीच में पोरस और उसका परिवार। भागती हुई अनुसुया तो दरअसल पोरस की माँ है, और उनके पीछे पीछे शिवदत्त, और होती है महाराजा बमनी की एंट्री, और इसी के साथ प्रकट होता है शूरवीर पोरस। सास बहू बेटिया आपको सीरियल पोरस के ऑन लोकेशन के हर नजारे दिखाएगा। पर्दे के पीछे क्या करते हैं कलाकार, कैसे हो रही है इस भव्य सीरियल की शूटिंग, ये सारे नजारे के लिए चलिए चलते हैं खाउ सोक आइलैंड पर, जहां लगा हुआ है सीरियल का सेट। आज सास बहू और बेटिया आप पहुंचा है थाईलैंड के खाउ सोक आइलैंड में, जहाँ चल रही है सोनी टीवी के सीरियल पोरस की शूटिंग। देखिए आइलैंड का ये नजारा, और आज खास सास बहू और बेटिया आपके लाए हैं स्पेशल झलकिया शो पोरस की। तो चलते हैं मेकअप रूम में। तो आप पहुंचे हैं हम मेकअप रूम में, जहां पर चल रही है तैयारियां। सुबह का माहौल है, देखते हैं। यहां पर प्रणीत कुछ मांग रहे हैं। प्रणीत, अरे रेडी नहीं हूं मैं, मेरे को वो चाहिए अपना। कमांडर किधर है मेरा? कमांडर वो है, वो ड्रेप किधर है ऊपर का, वो जूता। कितना मजा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे शूट करना आइलैंड। बहुत बहुत कमाल लोकेशन है, बहुत टफ लोकेशन है यहाँ पर शूट करना। हम लोग इसलिए अपना सारा सामान मैं खुद ही देख रहा हूँ भैया, कुछ छूट ना जाए, क्योंकि अगर छूट गया तो उस वजह से शॉट रुका रहेगा और फिर वापस बोट भेजनी पड़ेगी आइलैंड से इधर, और फिर जाना पड़ेगा। और देखा आपने, हम लोग तो पानी के ऊपर ही रह रहे हैं, लैंड तो देखा ही नहीं है जब से थाईलैंड आया हूँ मैं, सिर्फ बोट ही देखा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर किसी को सी सिकनेस नहीं हुई है, और कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सी सिकनेस क्यों नहीं हुई, क्योंकि सबको शूटिंग की टेंशन इतनी है सी भूल गए। तो वो मेरा एक ऊपर से वो आता है ड्रेप है जो मैं पहनूंगा, और पूरा देख रहे हो आप कैसा लुक है। ठीक है, मेरे जूते आएंगे नीचे अभी, और इस पे मेरा पगड़ी आएगा, साफा आएगा प्रॉपर, जो पर्शियन लुक है उसका। और आप चलिए सेट पे, देखिए क्या हो रहा है, कमाल है ये, महाभारत से बड़ी महाभारत है ये। पोरस सीरियल का मुख्य आकर्षण है लक्ष्य लालवानी, जो बने हैं वीर योद्धा पोरस भाई। लेकिन इनकी किरदार और वेशभूषा को देखकर लगता है कि इन पर यूनान का काफी प्रभाव है।
पर्दे से सीधा आके थाईलैंड उतरा हूँ मैं, और थाईलैंड में आते ही मैं पोरस बन चुका हूँ. सो या इट्स ग्रेट फॉर मी, ग्रेट एक्सपीरियंस. लक्ष्य पोरस बनने की ट्रांसफॉर्मेशन, एज यू कैन सी पोरस की फीलिंग है काफ़ी अलग है, जो मैं पहले कैरेक्टर्स प्ले कर चुका हूँ उससे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है. सो हाँ, वही है, एक चैलेंज था मेरे लिए, और मैं मुझे लगता है कि मैं वो चैलेंज में अच्छी तरह से पूरा कर पा रहा हूँ अब तक. सो दैट्स, लेट्स सी क्या होता है आगे जाके. मुश्किल तो काफ़ी है, चैलेंजिंग है काफ़ी. एज यू कैन सी टैटूज हैं, हैंड गियर है, दूसरा हैंड गियर है, अभी यहाँ पे एक और गियर आएगा, यहाँ पे एक और टैटू आएगा. एज यू कैन सी यहाँ पे मार्क भी आ चुका है टैटू का, टैनिंग हो चुकी है, कॉस्ट्यूम है, सब कुछ है. सो इट्स वेरी, बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए भी, एक अपने आप को कैरी करना है इसमें. अभी एक विग भी आएगा, सो धूप में एक यू नो कंडीशंस काफ़ी अलग हैं. सो काफ़ी बड़ा चैलेंज है मेरे लिए ये. वैसे लक्ष्य लालवानी इस रोल में काफी जच रहे हैं, और बहुत खास है उनकी ये वेशभूषा और उनका ये हेयर स्टाइल. अब जरा लक्ष्य के साथ घूमते हैं उनके सेट को. रेडी हो चुके हैं कम्प्लीटली, सिर्फ विग लगना बाकी है. तब तक हम बाहर जाते हैं, एक नज़र डालते हैं हमारे बाहर की लोकेशन पे. फॉलो मी. सो ये हमारी प्रॉप है, एक हमारी सेटिंग टीम ने खड़ा किया है, ये हमारे इंडियन सेटिंग टीम ने, और थाई वर्कर्स ने, उनकी मेहनत देख ही रहे हैं आप लोग. और ये आई थिंक कल मेरे सामने बनना शुरू हुआ था, और आज सुबह कुछ 9:30 बजे तैयार खड़ा है आपके सामने. विद इन 24 आवर्स इन्होंने ये इतना परफेक्टली बनाया है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब. और दैट्स आर फूड एरिया, जहाँ पे हम लोग मेस एरिया, जहाँ पे हम लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं. आर डायरेक्टर्स, आर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ सर, राहुल सर, अमोल सर, आई, आर ऑल द एक्टर्स. सो वी सिट देयर, और हम लोग वहाँ बैठ के खाना खाते हैं आराम से. इट्स लाइक अ फैमिली दैट हम लोग सब एक साथ हैं. सो बेस्ट पार्ट अबाउट आउटडोर्स यही है कि हम सबको एक साथ समय बिताने का मौका मिलता है. एंड द प्लेस जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, एज यू कैन सी ये सारी कॉटेजेस हैं. मेरी कॉटेज सबसे लास्ट में है, मैंने पर्पसली लास्ट कॉटेज ली है. प्राइवेसी एट इट्स बेस्ट, दो यहाँ पे कोई प्राइवेसी है नहीं, बट फिर भी जितनी हो सके. 300 फुट डीप पानी, 300 फीट, ओ सॉरी 300 मीटर्स, नॉट फुट, इवन डीपर देन 300 फीट. भाई पोरस से तो मिलिए, लेकिन अब मिलते हैं पोरस के परिवार से, जिनमें सबसे खास है पोरस की माता अनुसुया, जो किरदार को निभा रही है रति पांडे, जी हाँ हिटलर दीदी. और मिले जब हम तुम जैसे सीरियल्स में दिखने वाली रति पांडे इस बार बन गई हैं पोरस की माँ. लेकिन इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता. क्या खूबसूरत गहने पहने हैं, और बहुत खूबसूरत है इनकी ये ड्रेस. वैसे इस लुक को पाने के लिए काफी मेहनत की जा रही है, और हो रहा है जबरदस्त मेकअप भी. और चलिए देखते हैं रति पांडे का श्रृंगार. वेलकम यू गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोसा मूवी लेक में, थाईलैंड में. कैसा लग रहा है आप लोगों को? फॉर अ चेंज मैं पूछती हूँ. एडवेंचरस तो बहुत है, और जब से हम लोग यहाँ पहुँचे, जब जैसे ही लैंड किए तब से बहुत एक्साइटेड थे कि कैसे होगा, कैसा लोकेशन. बहुत सुना था इस लोकेशन के बारे में, लेकिन जैसे ही हम लोग बोट पे बैठे और जो 1.5 घंटे का स्ट्रेच था इस रिजॉर्ट तक पहुंचने का, इट वाज सो ब्यूटीफुल. आप लोग भी वैसे ही सफ़र करके आए होंगे, तो कितना एग्जॉटिक लोकेशन आप लोगों को देखने को मिला. तो और ऐसे लोकेशंस में बहुत आपको किक मिलता है शूट करने के लिए, काम करने के लिए, और मज़ा आता है. और स्पेशली इस तरह का जो सास बहू बेसिक ड्रामा ही नहीं है, ना कोई सास की किटपिट, ना कोई बहू का ड्रामा, ना किसी की क्या बोलते हैं, ना पति चेंज, ना कुछ कुछ नहीं होता है यहाँ पे. अनसुईया का लुक बहुत ही बढ़िया है, एंड आई डेफिनेटली वांट टू थैंक केतकी आर डिज़ाइनर. शी मस्ट बी अराउंड ओनली, शी इज़ नॉट. तो जैसे ही मैंने जब गेटअप देखा, तो बहुत ही मुझे यूनिक सा, आमतौर पे इस तरह के बनते नहीं हैं हम लोग. नॉर्मली लहंगा चुन्नी और बहुत सारे इस तरह से बन रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ डिफरेंट ही है. स्पेशली ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में हमने बहुत केतकीज़ या केतकी, आई एम अप्रिशिएटिंग योर वर्क, तेरी तारीफ कर रही हूँ मैं. सी सो शी इज़ आर डिज़ाइनर, शी इज़ गुड मॉर्निंग, शी इज़ आर माता एक्चुअली, शी हैंडल्स एवरी थिंग. हाँ, ये टैटू के बारे में तो मैं आपको बोलना ही भूल गई, जिससे मैं ये टैटू अभी थोड़ा कम हो गया, सिर्फ एक ही जगह लगा पड़ा है. बाकी मेरे फेस पे पूरा लगने वाला लगेगा. सो एक सीक्वेंस शायद ऐसा हो जहाँ पे
हम लोग ये दिखाने वाले हैं कि उस एरा में टैटूज भी मैटर करते थे। भाई रति पांडे से तो मिलिए, लेकिन अब मिलते हैं बाकी किरदारों से, जिनमें खास है राजा बमनी यानी आदित्य रेडी। कैसा शूटिंग एक्सपीरियंस है यहाँ का आइलैंड पर? बहुत ही मजेदार, एक्साइटिंग और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। आप देख ही सकते हैं किस तरह से हम शूट कर रहे हैं, जो हालात हैं यहाँ पर, दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं दिखता है सिवाय आपके यूनिट के, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन और इनके साथ ही है प्रणीत भद्द यानी सीरियल महाभारत के शकुनी, जो बने हैं डेरियस। और पायरेट्स की शूटिंग हुई है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की शूटिंग हुई है यहाँ पे। ये जो बीच में आप गॉर्ज देखते हैं, उसमें जॉनी डेप और वो जो सीक्वेंस है जिसमें जहाज़ अंदर जाता है उनका, वो वहाँ पर शूट किया है। आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो दो पहाड़ बीचों बीच है, उसके बीच में से हम बोट लेके जाते हैं। तो बहुत ही इतना एक्सपोज नहीं हुआ इंडिया इंडिया के लिए। तो मैंने पूछा, बोले कोई इंडियन साहब पहले हैं जो यहाँ आए हैं, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड प्राउड कि चलो हम ऐसी लोकेशन पे आए हैं। और हिलता डुलता लोकेशन है, आप सोएंगे तब भी हिलते रहेंगे, चलेंगे तब भी हिलते रहेंगे, आप बोट पे जाएंगे तब भी हिलते रहेंगे। तो बॉम्बे जाएंगे तो हमको जो जेट लैग होते हैं ना, तो बॉम्बे भी जाएंगे तो हम लोगों को लगता है कि एक हफ्ते तक हम हिलते ही रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल वाटर राफ्ट विलास। हम लोग राफ्ट के ऊपर है इस वक्त, और नीचे ये 300 फुट है गहरा, 300 फीट। बाय, सेट पे मिलते हैं। भाई यहाँ पर पोरस का परिवार भी है और साथ साथ सिकंदर का परिवार भी, और सारे कलाकार मिलकर इस आइलैंड पे ही रुके हुए हैं, जहाँ पर लगा हुआ है सबका जमावड़ा। भाई अब हो गया है शूटिंग का टाइम, तो रानी अनुसुया के साथ निकल पड़ते हैं सेट की ओर। थाईलैंड में हो रही पोरस की शूटिंग का खास आकर्षण है कि यहाँ पर आपको एक सेट से दूसरी ओर इस नाव में बैठकर जाना पड़ता है। तो चलिए पूरे कलाकारों के साथ सास बहू बेटियां भी हो लिया नाव में सवार और निकल पड़े सेट की ओर। तो आप लोगों को हम लेके चल रहे हैं अपने सेट पे। हमारा सेट तो हर जगह है कोई पर्टिकुलर सेट नहीं है, बट आपको जो एग्जॉटिक लोकेशंस अभी देखने को मिलेंगे वो इस दौरान ही मिलता है। और बस देखिए ऐसी हड़बड़ी करते रहते हैं हम लोग, आज हमारा दूसरा दिन है। हमारे यहाँ मुंबई में कार्स रेडी होती है, ट्रैफिक होता है यहाँ, अब हम देखिए हम महारानी बन चुके हैं। हमारा ये नज़ारे देखिए, ऐसे हमारे लिए बोट्स बने रहते हैं, मतलब पार्क्ड रहते हैं बोट्स, और कम से कम 3-4 सेकेंड्स में हम पहुँच जाते हैं अपने अपने लोकेशंस पे, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं। तो कितना अच्छा जरिया हमारा, देखिए हमारे राज्य में और हमारे राज्य में हमारे दुश्मन भी हमारे साथ ही चल रहे हैं तो हम उनको लेके जा रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो इनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। नहीं, प्रणीत को थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, तो वो बैक सीट में बैठ के आराम करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये अगर बोट चलाएंगे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे कहीं। तो क्या बोलते हैं उसको यार, नेविगेटर है हमारे यहाँ पे। आपको बहुत अच्छे लोकेशंस अभी देखने को मिलेंगे, और आप आइए हमारे साथ सैर कीजिए, खाउसो का लेक का नज़ारा देखते हैं। खाउसोक आइलैंड के नज़ारों का क्या कहना, चारों तरफ नज़ारों का मजा उठाते हुए आखिर हम पहुंचे एक लोकेशन पर। इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है कि मुझे वाटर रूट दिखाना था, कि पानी के थ्रू जब शिप्स चलते थे, क्योंकि उस समय नदियां हमारे जैसी नहीं होती थी कि आज की पतली हो गई हैं धाराएं, पहले बड़ी होती थी कि जिसमें वाटर और लैंड के थ्रू से ट्रेड होता था वर्ल्ड के साथ में। तो वो मैं आज के टाइम पे कैसे दिखाऊँ, तो मैं काफ़ी लोकेशंस खोज रहा था। मैंने वियतनाम, इंडोनेशिया, बहुत जगहों पर लोकेशंस देखी। फाइनली थाईलैंड में, ये भी नॉर्थ ऑफ थाईलैंड है, ये जो लेक का फील है, जो सी नहीं लगता, पानी नदी लगती है, समुंदर नहीं, वो डिफरेंस विजुअली मुझे यहाँ मिल रहा था। तो कुछ नहीं है, अभी यहाँ लैंड हुए, अभी जाना है, अभी पानी में दिखना है, अभी पानी के अंदर एक सीन है, और ये सब बहुत सारे एडवेंचर्स है अभी, आगे भी। रानी अनुसुईया को देना है ये ड्रामे भरा सीन, जहाँ शिवदत्त उनका पीछा कर रहा है, जो दरअसल उनका देवर है।
भाई लगता है पर्दे पर देवर भाभी की ठनी हुई है। जरा देखिए तो दोनों की तलवारबाजी। ऑन स्क्रीन डर है, वो अभी ऑफ स्क्रीन उतनी ये बहादुर है। तो ये दिखा रहे हैं। ऑन स्क्रीन कहाँ डर है, ऑन स्क्रीन स्क्रीन तो बिल्कुल डर नहीं है। ऑन स्क्रीन में ये मुझे डराने की कोशिश करते हैं, इनको गुस्सा है मुझसे, ये मेरे देवर प्ले कर रहे हैं तो ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन वो डरती नहीं है किसी से। तो ना ऑन स्क्रीन ना ऑफ स्क्रीन देवर जी। ऑफ स्क्रीन तो मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। या अमन एक्चुअली ही इज अ वेरी सिंसियर एक्टर, आई मस्ट टेल यू, इनका ये पहला शो है। अगर लड़का लड़की तलवार चला रहे हो ना तो लड़की को क्या करना चाहिए, बस आंखों ही आंखों में, बस वही ढेर, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। तो शिवदत्त की तो आंखें वैसे ही बड़ी हैं, ऐसे लगता है कि ज्वेलरी के साथ साथ आंखें भी बाहर आएगी। अब चलते हैं दूसरे सेट पर, जहाँ पर पोरस के पिताजी यानी राजा बमनी की एंट्री हो रही है, वो भी बिल्कुल बाहुबली के अंदाज में। जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास सिर्फ पानी ही पानी है, कोई जानवर भी नहीं दिखता है आसपास। तो यहाँ पर शूट करना एक ऐसी इरा में आप पहुँच जाते हो जहाँ ना कोई यू नो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, ना कोई आर्किटेक्चर नहीं है, सिर्फ ये बड़े बड़े पत्थर है, दीज आर द वॉल्केनिक माउंटेंस। शूट करने में इतना मज़ा आ रहा है। और इस सीक्वेंस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इट्स बेसिकली अ रेस, दो बोट्स के बीच में रेस होती है, और एक में मैं हूँ किंग बमनी और दूसरी बोट में अंबिराज, दोनों के बीच रेस है और रेस के साथ साथ फाइट है। कठिनाइयाँ तो हैं, मुश्किलें हैं, पर एट द एंड ऑफ इट हम लोग एज स्वास्तिक सिद्धार्थ जैसा हम सोचते हैं, वो मुश्किल लोकेशंस या मुश्किल जगहों पे और मुश्किल कहानियाँ कहने का हमें बहुत बहुत शौक है। और ये मेरा दावा है कि आज तक इंडियन टेलीविजन पे ऐसा शो कभी आया नहीं है। आदित्य रेड्डी एक लंबे समय के बाद पोरस में इस किरदार में नजर आने वाले हैं, और इनका लुक भी खास है और अंदाज भी। भाई पोरस और उसकी फैमिली से मिली, लेकिन अब पोरस की हीरोइन से मिलते हैं। भाई ये मोहतरमा है लाची और इस किरदार को निभा रही है सुहानी धनकी। वैसे इनका लुक काफी कुछ ट्राइबल और काफी कुछ खास है, और बोर्ड पर बैठकर सुहानी देखिए कैसे हाउस ऑफ आइलैंड के नजारों में खो गई है। चलिए मेरे साथ। ये खाउसोक लेक जो है एक कैचमेंट एरिया है, एक डैम है, और डैम में बना हुआ ये लेक है। ये दो हाथों से ऐसे और पकड़ते हैं, चप्पू कहते हैं ऐसे। हमें एक्चुअली ट्रेनिंग मिली है रोइंग की, काफ़ी महीनों से मतलब हम रोइंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉम्बे में, कि कैसे कैसे मतलब अगर बोट को आगे खींचना है तो ऐसे डाल के फुल पावर के साथ, और अगर पीछे लेना है तो इस तरह से। हाँ, काफी वर्क किया गया है। हाँ हाँ, लाची बनने के लिए सुहानी ने काफी वर्क किया है, काम करना पड़ता है। इनफैक्ट अभी भी सिद्धार्थ सर बोलते रहते हैं कि वजन बढ़ाओ, ये करो वो करो, मतलब वो कॉन्स्टेंटली तो प्रयास चालू। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, फिर भी उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेमिनिन साइड है। वो पोरस के बिल्कुल बराबर है, उसके और पोरस के बीच में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इन टर्म्स ऑफ चैलेंजिंग ईच अदर। सो शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, इसलिए कॉस्ट्यूम भी इस तरह से ही बना है कि उसे बहुत कंफर्टेबल रखे, यू नो, इन द सेंस कि उसको अगर कोई एडवेंचर करना है, जैसे पानी में कूदना है या फिर जंप मारना है या कुछ भी करना है, यू नो, फॉर दैट शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल इन हर कॉस्ट्यूम। फेदोज़ है ना, बहुत प्यारे हैं, मतलब इतना करेक्ट लगता है वो पीरियड के लिए कि लेदर है और लेदर के साथ फेदर्स है। तो ये फिर मेरा हेड गियर, मेरा फेवरेट ज्वेलरी पीस है, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि एक वुमेन का ग्रेस वो माथे का टीका देता है उसे। कितने टैटूज है? एक दो तीन और चार।
हाँ ये तो हाँ पेंट है पर एक वो टैटू बॉडी आर्ट में ही इंक्लूड हो जाता है। क्या रहता है यहाँ पर मतलब सुबह कितने बजे उठना कैसे शूटिंग पर जाना? 5 बजे का तो कॉल टाइम रहता है तो उसके पहले योगा मतलब जो भी हमारा फिटनेस रेजीम है वो करने के लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है तो 7 बजे उन लोग को और निकल के सेट पे चला लोकेशन पे जाना पड़ता है। सपनों की है दुनिया यही मेरी आंखों से देखो जरा यही वाला फीलिंग आता है इस पूरे एटमॉस्फेयर को देख के। थाईलैंड के खूबसूरत नजारे बन गए हैं सीरियल पोरस के साक्षी जहां पर इतिहास की एक गाथा होगी सबके सामने। लक्ष्य लालवानी का अंदाज, सुहानी का लाची वाला रूप और उसके साथ रति पांडे और संग आदित्य रेड्डी का बाहुबली लुक और इनके साथ है यहां पर कई खलनायकों की फौज। यानी कुल मिलाकर भारतीय इतिहास का परचम फहराया जा रहा है थाईलैंड के इन खूबसूरत लोकेशंस में। तो तैयार रहिए अपने घर के आंगन में पोरस का स्वागत करने के लिए जो बहुत जल्दी थाईलैंड के इन लोकेशन से सीधा पधारेगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और याद रखिए आपको पोरस की हर झलक दिखलाई थाईलैंड से सास बहू और बेटियां ने। थाईलैंड से कैमरामैन राजू रेवंकर के साथ नुपुर माउची आज तक।